राजौरी के डांगरी इलाके में 24 घंटों में दो आतंकी वारदातों के बाद लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है और पूरे प्रदेश में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर जारी है। राजौरी में आतंकवादियों द्वारा की गई लक्षित हत्याओं को लेकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भी अपना रोष व्यक्त किया। शिवसेना की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष सानी के नेतृत्व में शिवसैनिकों ने रूपनगर इलाके में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान का झंडा जलाया। इस अवसर पर मनीष सानी ने कहा कि यह हमला आतंकवाद मुक्त हो चुके जम्मू संभाग में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है और आतंकी कश्मीर की घाटी की तरह अब जम्मू संभाग में भी लक्षित हमलों को अंजाम देकर हिंदुओं के दिलों में डर का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मनीष सानी ने कहा कि अब समय आ चुका है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और आतंकियों के समर्थक करने वाले लोगों का समूह नाश किया जाए और आतंकवाद का समर्थन करने वाले पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जाए। के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, सीमा पार बैठे आतंकवादियों के आकाओं के इशारों पर जो कश्मीर के साथ साथ जम्मू को अंदर भी आतंकवादी अपने पांव पसार रहे हैं, उसके खिलाफ आज हमारा प्रदर्शन था। आज पाकिस्तान का झंडा यहाँ पर फूंका गया है, पाकिस्तान के झंडे को पैरों के नीचे रौंदा गया है और अपने सुरक्षा कर्मियों से, केंद्र सरकार से भी हम ये मांग करते हैं कि पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। पाकिस्तान सीमा के अंदर घुसकर उसको जो है सबक सिखाया जाना चाहिए। देखिए, जम्मू संभाग जो आतंकवाद मुक्त क्षेत्र हुआ करता था, आतंकवादी घटनाओं से परे था, एक शांतिपूर्ण इलाका था, कश्मीर के बाद जम्मू संभाग में भी आतंकवादियों ने अपने पांव पसारने के साथ लक्षित हत्याओं को अंजाम देना शुरू कर दिया है। जम्मू के सिदड़ा इलाके के अंदर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों की, कल रात राजौरी के अंदर जो है अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया गया, आज सुबह वहां पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को आईडी के अंदर निशाना बनाया गया। तो लगातार जो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों और सीमा पार बैठे अपने अकाओं के इशारों पर जो आतंकवादी संगठन यहाँ पर सिर उठा रहे हैं, उसको कुचलने का समय आ चुका है। शिवसेना भी आज यहाँ से उनको चेतावनी जारी करती है कि अपने नापाक मंसूबों पर पूर्ण विराम लगाएं, नहीं तो शिवसेना को मजबूर ना करें अपने पुराने अंदाज के अंदर वापिस आने का। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी से भी हम अपील करते हैं कि आतंकवादियों का सर कुचलें, सख्ती के साथ उनको निपटें और जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुओं के मन से भय का माहौल खत्म करें।